साल पहले कुंजन नगर कॉलोनी फेज टू में जनभागीदारी द्वारा 18 लाख के स्वीकृत हुआ था। नगर निगम ने जो टेंडर लिया था, जिसमें से कुछ पैसे कॉलोनी के निवासी और रहवासी हम लोग इकट्ठा करके नगर निगम को दिए थे, और कुछ पैसे जो है नगर निगम के द्वारा दिया गया था, जिसमें प्रोजेक्ट 18 लाख का था। 18 लाख का ये सीवेज लाइन एक साल अभी हुआ नहीं, और 18 लाख जो है वो ख़त्म हो गए, लेकिन समस्या जस की जस पड़ी हुई है। पानी का और सीवी लाइन का यहाँ मार है, तालाब भरा हुआ है, अनेकों प्रकार की गंदगी, मच्छर और अनेकों प्रकार के जानवर इस सीवेज पानी में लौटते हैं, जिससे हमारे यहाँ के निवासियों का जीना दूभर है, हराम है। बच्चे बाहर निकल नहीं पाते, बच्चे ये कॉलोनी में कैंपस में खेल नहीं पाते, जो कि ये धार्मिक स्थल हमारी कुंजन नगर नगरी कहलाती है। यहाँ पर हमारे नगर निगम के अध्यक्ष भी हैं और उनका भी यहाँ निवास है। अनेकों प्रकार की हमने शिकायतें की नगर निगम में, की अध्यक्ष से की, पार्षद से की, मेयर से की, सांसद से की, और आज तक हमारा कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अतः हम आपके माध्यम से यह निवेदन करते हैं कि यहाँ आकर उच्च अधिकारी नगर निगम के इस समस्या को देखें, और जो 18 लाख की स्वीकृत राशि थी, जिसमें ठेका लिया था ठेकेदार ने, जिसमें बंदरवाट हुई है, तो ठेकेदार पर और नगर निगम के जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। ये हमारा विशेष निवेदन है, क्योंकि यहाँ अब हम गंदगी से त्रस्त हैं, मच्छरों से, डेंगू से, अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। इसलिए हम बार बार गुजारिश करते हैं इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि इस समस्या का शीघ्र निपटारा करें। नहीं, आने वाले समय में पूरे निवासी और यहाँ की महिलाएँ इकट्ठे होकर शासन के ऊपर, उस नगर निगम के ऊपर घोर जो भी वो होगा, वो हड़ताल और अनेकों प्रकार की जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसका आंदोलन किया जाएगा। अतः यह मेरी चेतावनी भी है और ये मेरा संदेश भी है।